राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम कितनी सुंदर और कितनी प्यारी देवी जी के लिए ड्रेस बनाकर लाए हैं। नवरात्रे आ रहे हैं और देवी जी को सजाने के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसें बनाई जाती हैं। आज हम आपको बहुत ही प्यारा लहंगा, चुनरी और चोली बनाना सिखाने वाले हैं और बहुत आसानी से इसको हम आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए फिर हम इतनी प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस बनाना सीखते हैं। लहंगा बनाने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है, ये इसकी लंबाई 24 इंच रखी है और ये नेट ली है, इसकी लंबाई भी हमने 24 इंच रखी है। और ये जो कपड़ा है इसकी लंबाई हमने 7 इंच रखी है, देखिए 7 इंच रखी है ये, और नेट की हमने लंबाई 6 इंच रखी है, 6 इंच नेट की रखी है और 7 इंच हमने कपड़े की रखी है, क्योंकि कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, इस फोल्ड करने में ही थोड़ा कपड़ा कम हो जाएगा तो दोनों की लंबाई 6 इंच रह जाएगी। अब हम इसको फोल्ड करके एक साइड रख देंगे और नेट के ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। हमें डेकोरेशन केवल नेट के ऊपर करनी है, लहंगे के ऊपर नहीं करनी है। देखिए इस तरीके से हम ये वाली लेस लगा देंगे और इस साइड दोनों साइड हम ये वाला गोटा लगा देंगे। इस तरीके से हम लहंगे की सजावट कर लेंगे और इसके नीचे वाले अस्तर को केवल हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर हम इसके नीचे अस्तर लगाएंगे और ये ऊपर से डेकोरेशन वाला नेट वाला पीस लगा देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डेकोरेशन करने के बाद प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हमें इस तरीके से एक साथ मिलाकर नहीं डालनी है, यदि हम एक साथ मिलाकर प्लेट्स डालते हैं तो नेट हमें अलग से दिखाई नहीं देती, अस्तर के अंदर छिप जाती है। अब हम प्लेट्स जब डालेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे हमें नेट में अलग से प्लेट्स डालनी है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से प्लेट्स डालनी है, नेट में अलग डालनी है और हमें कपड़े के अंदर अलग से प्लेट्स डालनी है। कपड़े में भी हमें देखिए इस तरीके से ही अलग से प्लेट्स डालनी है, लहंगे में नेट में अलग और कपड़े में अलग डालनी है और इसके बाद हमें दोनों प्लेट वाले हिस्से एक साथ इस तरीके से लगाने हैं। आप देखिए जब इस तरीके से लगाते हैं नेट तो नेट अलग से दिखाई देती है, बहुत सुंदर लगता है। अब हम आपको प्लेट्स डालकर और इसे टक कर और नीचे डेकोरेशन करके बताते हैं कैसा लग रहा है। देखिए हमने लगाकर तैयार कर लिया है अस्तर में, देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है और नेट के ऊपर हमने ये डेकोरेशन कर दी है और प्लेट्स भी हमने अलग अलग डाली हैं, उसके बाद हमने एक साथ इसको लगा दिया है। अब ये नेट देखिए बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही है, जहां जहां प्लेट्स नेट के ऊपर आई हैं बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा दिखाई देता है इस तरीके से। अब देखिए हम लहंगे के ऊपर ये वाली साइड में इस तरीके से एक लेस और लगा देंगे और दोनों साइड एक एक पट्टी लगा देंगे, जिसकी सहायता से हम देवी जी के पीछे बांध देंगे। इस तरीके से ये हमारा लहंगा तैयार हो जाएगा। आप भी इसी तरीके से लहंगा तैयार करिए और अब हम आपको चुन्नी बनाना भी बताएंगे। अब हम आपको चुन्नी बनाना बता रहे हैं। देखिए चुन्नी की लंबाई हमें 26 रखनी है, 26 ये लंबाई रखनी है चुन्नी की और चुन्नी की चौड़ाई हमें 6 इंच रखनी है। 6 इंच रखने के बाद देखिए हम इस तरीके के गोटे से
सजावट करेंगे कि साइड में हम इस तरीके का गोटा लगाएंगे और इस साइड में भी हम इसी तरीके का लगाएंगे और इस साइड दोनों साइड हम देखिए इस तरीके से सजावट करेंगे। ये देखिए गोटा इसके इस साइड भी लगाएंगे और एक बार हम इस साइड भी लगाएंगे। इस तरीके से हम इस साइड और इस साइड इस तरीके की सजावट करेंगे और दोनों साइड हम केवल गोटा लगाएंगे। अब हम आपको लगाकर बताते हैं। देखिए हमने चुन्नी भी बनाकर तैयार कर ली है, कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। और ये देखिए हमने इस साइड और इस साइड खाली गोटा लगाया है और इन दोनों साइडों में हमने ये डिजाइन बना दिया है। लहंगे के ऊपर ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लगेगी। अब हम आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताते हैं। देखिए ब्लाउज के लिए हमने ये 6 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई की एक पट्टी काट ली है। अब हम इसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से करीब हम 2 इंच का एक इस तरीके से फोल्ड बनाएंगे और 1 इंच हम इस साइड हमने 1.5 इंच रखी है और लंबाई हमने करीब 2 इंच से थोड़ी ज्यादा है, 3 इंच है। 3 इंच हमने यहां से फोल्ड किया है और 1.5 इंच हमने इस साइड रखी है। अब हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे और ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर भी डेकोरेशन करेंगे। नीचे तो हम इस ये वाली लेस लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और यहां पर भी हम गोटे की सजावट कर देंगे। ये देखिए यहां से हम इस तरीके से सजावट कर देंगे क्योंकि ऊपर तो चुन्नी आ जाएगी और ज्यादा नहीं दिखाई देगा, नीचे हम सजावट अच्छे से कर देंगे। देखिए ब्लाउज में सजावट करने से पहले हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है और यहां पर हमने तुरपाई कर दी है जिससे कि जब हम गोटा लगाएं तो इसमें फिनिशिंग बनी रहे। अब हम इसके अंदर नीचे लेस लगाने का तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से आप लेस ले लीजिए और ये इस साइड से सीधी है, इस साइड से उल्टी है, उल्टी साइड से, और ये देखिए ये सीधी साइड है। इस तरीके से रखना है लेस उल्टी और जो हमारी चोली है वो सीधी, और इसके ऊपर इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करनी है, पूरे भी करनी है। देखिए इस तरीके से हम यहां तक आ गए हैं और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कंप्लीट हो गई है सिलाई। अब हमें क्या करना है, केवल हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें नीचे भी मोड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे भी देखिए फिनिशिंग से अपने आप ही ये मुड़ गया है। कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इस तरीके से करना है और यहां पर एक सिलाई लगा लेनी है। ये जो धागा है हम इसी से सिलाई लगा लेंगे। पहले धागा हम इस साइड ले आएंगे और इस साइड लाने के बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सीधी सीधी सिलाई करनी है हमें इस तरीके से। देखिए बहुत फिनिशिंग से नीचे से खुद ही मुड़ गई और ये लेस आराम से लग गई। इस तरीके से ये हमें कंप्लीट कर लेनी है। और गले पे लगाने के लिए देखिए इस तरीके से हम ये गोटा लगाएंगे और ये थोड़ा हम साइड में छोड़ देंगे, थोड़ा इस साइड और थोड़ा इस साइड। ये जो हम छोड़ेंगे इससे हम जब हम अपने भगवान को पहनाएंगे तब हम ये गले में पीछे ये गोटा बांध देंगे। इस तरीके से हमारी ये चोली तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से लेके टाँकना है।
थोड़ा थोड़ा यहाँ से फोल्ड कर लेना है, ये यहाँ से, जिससे ये अच्छा लगे। और इसके बाद हमें इस तरीके से इसको लगाना है। और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तब हमें इस तरीके से इसका एक फोल्ड बना लेना है और फिर से हमें इस तरीके से लगा देना है। अब हम इसे कंप्लीट करके आपको बताएंगे। लहंगे में भी हमें सजावट करने से पहले यहाँ पर जो हमने प्लेस डाली थी, यहाँ पर हमें एक पट्टी इस तरीके से रखनी है। और ये हमने देखी सिलाई लगा ली है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और इस साइड भी इतनी छोड़नी है और इस साइड भी इतनी छोड़नी है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इसमें देखिए कितनी फिनिशिंग आ गई लहंगे में। और इसको हम इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और ये पीछे बांधने के काम आएगा। और इस साइड हम बैक साइड में भी तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से हम यहां से सिलाई करना शुरू करेंगे, ये पट्टी बन जाएगी ये देखिए। और यहां तक जब आ जाएंगे हम इस जगह तक, तो फिर हम ये इस साइड भी हम तुरपाई करेंगे और यहां पर फिर हम इस तरीके से फोल्ड करके पट्टी बना लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। देखिए इस तरीके से जब ये सिल जाएगा तब हम इसके ऊपर ये लेस लगा देंगे और ये इस तरीके से लहंगा बन जाएगा। और ये जो डोरी है इसे हम पीछे बांध देंगे। इस तरीके से ये लहंगा तैयार हो जाएगा। अब हम आपको चोली भी तैयार करके बताते हैं। देखिए ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है, कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही है। और ये चोली देखिए हमने बना ली है, इसके चारों ओर हमने ये देखिए गोटा लगा दिया है और ये पीछे से बांधने के काम आएगा, थोड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। और ये देखिए इस साइड में लेस लगाने के बाद हमने इसको टर्न करके थोड़ा मोड़ दिया है और ये चोली की शेप दे दी है। दोनों साइड से हमने इसी तरीके से मोड़ दिया है। बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर बन के आई है। और ये लहंगा भी हमने बना लिया है और ये देखिए इस तरीके से बांधने का भी इसमें हमने ये डाला है। बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर बन के आया है। आप भी इसी तरीके से प्यारी सी ड्रेस बनाइए और नवरात्रों में अपनी देवी जी को सजाइए। यदि आपको ये ड्रेस पसंद आई हो और मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।